अब हम डिस्कस करेंगे वैल्यूज़। वैल्यूज़ क्या होती हैं? आपके लिए ये पर्सन वैल्यूएबल है, आपके लिए ये चीज़ बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है, आप आपकी आपको ये एक लाइफ में ना पर्पस देता है, जीने की कोई वजह दे देता है। सो दिस थिंग और दिस पर्सन इज़ वेरी वैल्यूएबल फॉर यू। ओके, तो ये जो वैल्यू है, जो भी चीज़ आपको वैल्यू दे रही है, ठीक है, वो आपकी सिर्फ पर्सनल लाइफ में ही नहीं, आपको आपकी प्रोफेशनल लाइफ में भी बहुत वैल्यू दे रही है। ओके, पर्सनल ही नहीं, प्रोफेशनल लाइफ में भी चीज़ें वैल्यू देती हैं, और जो वैल्यूज़ हैं वो बहुत तरह से आपकी लाइफ में आपको आपको इन्फ्लुएंस करती हैं। वो कैसे? जैसे आपका कल्चर हो गया, सो दैट इज़ इवन वैल्यूएबल। आपकी फैमिली लाइफ, आपका करियर, सोशल मीडिया, एनीथिंग, दिस इज़ ऑल वैल्यूएबल फॉर यू। और बेसिकली अगर आप एग्जाम्पल्स दोगे वैल्यू के, तो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल यू कैन गिव लव, ट्रस्ट, रिस्पेक्ट एंड केयर। सो अगर आपको वैल्यू को डिफाइन करना हो, तो आप कैसे करोगे डिफाइन? बेसिकली तो जो वैल्यू होती है ना, तो ये कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं और कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं जो हमें हमारी वर्थ को जज करने में मदद करते हैं कि हमारे लिए ये चीज़ें वैल्यूएबल है, तो हम लोग ये सब कुछ करते हैं। सो इट बेसिकली टेल्स अस अबाउट आवर वर्थ। आपके थॉट्स आपकी पहचान है, आपकी वैल्यूज़ आपकी पहचान है। सो वैल्यूज़ आर द स्टैंडर्ड्स एंड प्रिंसिपल्स विच हेल्प अस टू जज आवर ओन वर्थ। अब कुछ फीचर्स होते हैं वैल्यू के, जैसे कि अब हर पर्सन दूसरे पर्सन से डिफ़िकल्ट है एंड डिफरेंट भी है, ठीक है? तो हर पर्सन यूनिक है, सबके अपने ख्याल हैं, सबकी अपनी सोच है, सबकी अपनी पर्सनालिटी है, सबके अपने कैरेक्टर है। ओके, सो कैरेक्टर क्या होता है? पर्सनालिटी तो वी नो कि हाउ द वे ही ड्रेस अप और शो केज दैट पर्सन, हाउ द वे दैट पर्सन शो केज हिमसेल्फ और हर सेल्फ, सो इट इज़ पर्सनालिटी। बट इफ़ यू टॉक अबाउट कैरेक्टर, तो कैरेक्टर बेसिकली होता है कि वो पर्सन काइंड है, किस तरह का है वो, हाउ इज़ इट्स कैरेक्टर, मीन्स नेचर वाइज भी, मतलब हर वाइज वो किस तरह का है, काइंड है, ट्रस्टवर्दी है, फनी है, कॉन्फिडेंट है, ओवर कॉन्फिडेंट है या बिलो कॉन्फिडेंट है, ऑनेस्ट है या नहीं है, और पीसफुल है, डिसिप्लिन्ड है या फिर फनी है, कैसा है वो पर्सन। सो ये क्या हुए बेसिकली जो मैंने बातें बोली, एट्रीब्यूट्स, और यही एट्रीब्यूट्स होते हैं कैरेक्टर, ठीक है? कैरेक्टर में एट्रीब्यूट्स आते हैं कुछ पर्सन के। सो वो जो ये जो कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं, ये इस तरह के हुए, ऑनेस्टी, रिस्पेक्ट, डिसिप्लिन, फनी, केयर वगैरह वगैरह। और एक पर्सन के बिलीव्स भी होते हैं, सोशल बिलीव्स, पॉलिटिकल बिलीव्स, इकोनॉमिकल बिलीव्स वगैरह वगैरह। तो ये सब कुछ क्या है? ये सब कुछ ये शो करते हैं कि इस पर्सन के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए वो बहुत ज़्यादा केयर करते हैं। अगर तुम्हारे सोशल बिलीफ हैं, तो मे बी तुम सोशल लाइन में चले जाओ, ठीक है? तो वो तुम्हारे सिर्फ तुम्हारी तुम्हारी पर्सनल लाइफ में ही एक वर्दीनेस नहीं प्रोवाइड करते, जबकि तुम्हारी प्रोफेशनल लाइफ में भी प्रोवाइड करते हैं। एंड कोड ऑफ कंडक्ट की द वे, लाइक आई एम वेरी पंचुअल, ठीक है? सेट ऑफ रूल्स, इट्स माई रूल, यू नो एवरी पर्सन हैव सम रूल इन हिज और हर लाइफ। सो ये कोड ऑफ कंडक्ट हो गया आपका। आपको सुबह जल्दी उठने की आदत है, लेट को रात सोने की आदत है, चाहे रूल्स आपके अच्छे हों आप बुरे हो, दोज आर ऑल द कोड ऑफ कंडक्ट। और अच्छा और बुरा में डिफ्रेंशिएट करने वाला प्रिंसिपल होता है। प्रिंसिपल्स होते हैं बेसिकली फंडामेंटल ट्रूथ, ठीक है? लाइक अ चेन ऑफ रीजनिंग, लाइक अ बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस। सो फंडामेंटल्स ट्रूथ, ठीक है, होते हैं हमारे प्रिंसिपल्स, दे आर अ बेसिक फंडामेंटल ट्रूथ। अब ओवरऑल वैल्यूज हमने ये देख लिया। सो ये होता है हमारा वैल्यू का कंसेप्ट। अब होती हैं कुछ गाइडलाइंस ऑफ वैल्यू एजुकेशन। अब नंबर वन पे होती हैं कि ये जो जितनी भी हमने वैल्यूज़ पढ़ी, तो ये सब कुछ क्या है, ये बेसिकली तो यूनिवर्सल चीज़ है। किसी का कोई किसी चीज़ में इंटरेस्ट, किसी का किसी में इंटरेस्ट, ठीक है? हर ह्यूमन बीइंग की अगर कुछ भी आप ये करो तो ये प्रॉब्लम्स होती हैं, और ह्यूमन नेचर में है कि किसी को मतलब ये होता है, किसी को वो होता है। सो दिस ये क्या है, ये सब यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल है, ठीक है? सो यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल में आप क्या कहोगे, जो वैल्यूज़ होती हैं दीज आर यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल टू ऑल द ह्यूमन बींग्स, कि हाँ ये चीज़ है ही है, चाहे वो कोई भी वक्त हो, किसी भी घड़ी, किसी भी पल, किसी भी सिचुएशन, ये वैल्यूज़ एक्सेप्टेबल है। सो वैल्यूज़ आर एक्सेप्टेबल, यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल।
नेचुरल एक्सेप्टेंस इज द सेकेंड पॉइंट वी डिस्कस. नेचुरल एक्सेप्टेंस होती है, नेचुरल वर्ड से पता चल जाता है नेचर की. सो इट इज नेचुरली एक्सेप्टेबल टू अस. वेरीफाइबल ऑल्सो, वी कैन वेरीफाई द वैल्यूज आर सेल्फ. अंडरस्टैंडिंग द प्रिंसिपल ऑफ लाइफ. आपके साथ कुछ भी हो रहा है, सम पीपल हैव द हैबिट टू चेक आउट कि वट एवर इज हैपनिंग विद मी इज हैपनिंग फॉर सम रीजन. देर इज सम रीजन, देर इज सम लॉजिक बिहाइंड दिस थिंग. टेक एन एग्जाम्पल ऑफ साइंस एज वेल. सो द ट्रूथ्स ऑफ साइंस आर वेरीफाइबल, यू कैन वेरीफाई दैम एज वेल, राइट? सो बेसिकली जो वेरीफाइबल हैं, तो इनकी इनकी क्या है कि लाइक ये वी कैन वेरीफाई दीज वैल्यूज आर सेल्फ बाई अंडरस्टैंडिंग द प्रिंसिपल ऑफ लाइफ. बिकॉज वैल्यूज तो लाइफ के प्रिंसिपल पे बेस्ड है ना. अगर हमें लाइफ का बेसिक प्रिंसिपल समझ आ गया, मोटो समझ आ गया कि प्रिंसिपल ऑफ लाइफ इज दिस, फंडा समझ आ गया लाइफ का, और वो फंडा क्या है कि एवरी ट्रूथ हैज अ प्रपोजल. प्रपोजल व्हाट? ठीक है, हर ट्रूथ का एक निक प्रपोजल होता है कि आप ये चीज है, आप इसे चेक कर सकते हो. और वो चेक किसको करना है? हमको करना है चेक. ठीक है, हर बात के पीछे रीजन होता है, हर चीज के पीछे रीजन होता है, विच नीड्स टू बी वेरीफाई बाय हिम और हर, मींस यू मी एनीवन. ठीक है, सो वी कैन वेरीफाई द वैल्यूज आर सेल्फ बाय अंडरस्टैंडिंग द प्रिंसिपल ऑफ लाइफ, एंड दैट प्रिंसिपल ऑफ लाइफ इज एवरी ट्रूथ हैज अ प्रपोजल विच नीड्स टू बी वेरीफाइड बाय हिम और हर. आर ये रैशनल होते हैं, ऐसा नहीं है कि आपके ब्लिम बिलीव्स हो गए. ब्लिम बिलीव्स इन द सेंस कि सुपरस्टिशंस टाइप हो गए, कि ये सब वैल्यूज़ नहीं होती. वैल्यूज़ ये होती हैं जो रैशनल हो, ठीक है, जो ह्यूमन रीजनिंग को अपील हो सके, यानी कि जिसके पीछे कोई लॉजिकल रीजन हो. ठीक है, सो दैट इज़ टू बी रैशनल कि ये चीज़ है, इट हैज़ टू अपील टू ह्यूमन रीजनिंग, नॉट ऑन ब्लिम बिलीव्स ऑफ ह्यूमन. हारमनी, हारमनी guides us to be in harmony with ourselves and others. Means harmony basically क्या होती है, जो values होती है ना, बहुत वो खुशी देती हैं person को अगर right form में ली जाएँ तो. So सबके साथ प्यार से रहना, खुशी से रहना, मिल बाँट के रहना, हंसते खेलते रहना, खुद भी खुश होना, दूसरों को भी हंसाना. ठीक है, so और भी मतलब बाकी सारे emotions, किसी के दुख में दुख मनाना. So ये सब कुछ कुछ वैल्यूज़ हैं. ठीक है, और ये क्या होती हैं, ये बेसिकली प्रोवाइड करती हैं हारमनी. ठीक है, सो जो वैल्यूज़ होती हैं ना, वो हारमनी में लीड करती हैं कि लोगों के साथ प्यार से कैसे रहा जाता है, लोगों के साथ डील कैसे किया जाता है. सो ये सब कुछ क्या बताती हैं, वैल्यूज़. सो दीज आर सम ऑफ द गाइडलाइंस, यूनिवर्सल, नेचुरल एक्सेप्टेंस, रैशनल, वेरीफाइबल एंड हारमनी. So this was all the concept of values, guidelines, and its features.